एक बार महामाई के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है उस माँ के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। श्रद्धेय गुरुवर पूजनीय श्री हरि किशन दादा जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। उनका आशीर्वाद अपने सर पर लेती हूँ। सम्मानीय दादा जो आज हमारे मंच पर बैठे हैं, ये हमारा सौभाग्य है जो आज बुंदेलखंड की इस धरती पर मैं विराजमान हूँ। सम्मानीय दादा श्री लालचंद दीक्षित दादा जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद पाने की कामना करती हूँ। हमारी गुरु माता जो हमारे मंच पर आसीन हैं, श्रीमती क्रांति माला जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। साथ में आपके साथ में बैठे हुए जीजा जी के भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद पाने की कामना करती हूँ। और जितने भी यहाँ पर आगंतुक कलाकार बैठे हुए हैं, विद्वान कलाकार रचनाकार भाई, सभी का नाम मैं बोल तो नहीं पाऊंगी, लेकिन सभी को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ और आशीर्वाद पाने की कामना करती हूँ। क्योंकि आज की रात्रि आप ही हमारे माँ बाप हैं, आप लोग का आशीर्वाद सर्वोपरि है। बोलते साची दरबार की जय। और जैसा कि महान कीर्तनकार सम्माननीय दादा पंडित श्री चंद्रभान दीक्षित जी का आज जो पूर्ण स्मृति दिवस था, आज हम सारे कलाकार मिलकर उनको श्रद्धांजलि भेंट करे हैं। और जितने भी यहाँ पर ये श्रोतागढ़ बैठे हुए हैं, पूरी रात्रि भाव भरे गीत हुए हैं, सभी को हृदय से नमन है, इस धरती को प्रणाम है। बोल दे साची दरबार की जय। कहना है माँ, और जितने भी हमारे समक्ष भैया दादा लोग बैठे हैं, कि गम में हंसने वालों को कि गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, और लहरों का पानी हाथों से उठाया नहीं जाता, कि गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता और लहरों का पानी हाथों से उठाया नहीं जाता। अरे होने वाले तो खुद ही हो जाते हैं अपने, होने वाले खुद हो जाते हैं अपने, किसी को अपना कहकर बनाया नहीं जाता। इसलिए कहना है माँ कि पहले तो चरणों में रहने का ठिकाना दे दे, कि पहले तो चरणों में रहने का ठिकाना दे दे, और दिल की आवो दाना दे दे, कि कल्पना अपने चरणों का अनमोल खजाना दे दे। आइए चलते हैं सम्मानीय दादा जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, जिनकी आज पुण्यतिथि थी और हम सारे लोग एकत्रित हुए हैं, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है हम सब के लिए। उनको याद करना है। और आइए, फिल्मी दुनिया वालों ने एक बहुत ही प्यारा सा गीत गाया, गमे जिंदगी के
जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज ये धरती भी रो रही है उनको याद करके, और आज ये गगन भी रो रहा है। जैसा कि आज हमारा यहाँ पर आगमन हुआ है पहली बार बुंदेलखंड की धरती पर, तो आइए कहना है प्रथम बार, तो इस धरती को मैं प्रणाम करती हूँ, यहाँ के जनमानस को मैं प्रणाम करती हूँ, और कहना है आज पावन धरा पर हुआ आगमन, आई हूँ तो करूँ आप सब को नमन। अगर आज इस धरती पर मैं आई हूँ आप सबको प्रणाम कर रही हूँ और आप सबका आशीर्वाद मैं ले रही हूँ, कहना है आज पावन धरा पर हुआ आगमन, आई हूँ तो करूँ आप सब को नमन। दादा चंद्रभान जी को, मैंने नहीं देखा है, लेकिन आज उनकी जो ये श्रद्धांजलि है, श्रद्धांजलि मैं हृदय से उनको श्रद्धांजलि दे रही हूँ, और आपके चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ कि आप भी मुझे आशीर्वाद दें और इस बिटिया को आगे बढ़ाएं। तो कहना है दादा चंद्रभान जी को देखा नहीं है, हमने देखा नहीं है, इसलिए कहना है दादा चंद्रभान जी को देखा नहीं है, देखा नहीं परे सर को झुकाए, देखा नहीं है, फिर भी मैं अपने सर को झुका रही हूँ। और ये जो भी जनमानस बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, ये मैं अकेले नहीं कह रही हूँ, ये सारे जनमानस कह रहे हैं, वो जब याद आए बहुत याद आए, जिनके घर में आज उनको याद किया जा रहा होगा,
हमारे दादाजी भी याद कर रहे होंगे कि एक दिन था जो हम दोनों भाई बड़े हुए। तो आइए सुनिएगा कहना क्या है। चंद्रभान दादाजी को याद करके ये धरती भी रो रही है, इसलिए कहना है क्या? रोई धरती रो या गगन है दिया। और ये गगन भी रो रहा है। कीर्तन का सजाए है चमन रो पड़ा। तो कहना है प्रबल प्रेम के प्रखर, प्रबल प्रभ्रम के प्रखर बने के उपासक। और इतना ही नहीं, सरिता सुखद है बहाए बहुत याद आए, बहुत याद आए, बहुत याद आए। आखिरी बात और कहना ही है, जितने भी जनमानस बैठे हैं और ये कल्पना सम्मान्य दादाजी को सत सत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद पाने की कामना है। सम्मान्य दादा देवेंद्र तिवारी दादाजी के चरणों में नमन है, वंदन है। और आइए आखिरी लाइन कहना है, दादाजी को सत सत प्रणाम है, आशीर्वाद पाने की कामना है। अच्छा अच्छा, हमारी छोटी बहन पूनम आजाद जी के पिताजी के तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं इस बिटिया को आशीर्वाद स्वरूप है। दद्दा को प्रणाम है, सत सत नमन है, क्या बात है। और ये देखिए हमारे लिए भैया सौभाग्य की बात है, सम्मान्य दादा शंभू हलचल जी के कर कमलों द्वारा ये 51 पत्र मुद्राएं दद्दा को नमन है, वंदन है, चरणों में आशीर्वाद। दद्दा को देखिए ढेर सारा उपहार इस बहना को आशीर्वाद स्वरूप मिला है, दद्दा को नमन है, वंदन है। आइए कहना है, कहना है दादाजी के चरणों में आखिरी लाइन कहना है, करते अर्पित सरस उनको श्रद्धा सुमन। और ये हमारे हल्कू भैया आपको सर्वप्रथम प्रणाम है। और उसके बाद भैया जी सम्मान्य भैया अतुल आपके कर कमलों द्वारा ये ढेर सारा उपहार इस बहना को मिला है, आपके चरणों में नमन है, वंदन है, आशीर्वाद पाने की कामना है। और आइए कहना है सम्मान्य दादाजी के चरणों में कहना है, करते अरे पित तरसे उनको श्रद्धा सुमन, दादा चंद्र भान जी
दद्दा जी को मेरा सत सत प्रणाम है, नमन है, कोटि कोटि वंदन है। और इसलिए कहना है श्रद्धांजलि सभी श्रद्धा सुमन है चढ़ाए। सब मिलके अपने अपने श्रद्धा सुमन को चढ़ाए हैं। ये जो श्रद्धांजलि है इसको हृदय से चढ़ाना चाहिए, इसी को ही असली श्रद्धांजलि कहते हैं। और इसलिए कहना है श्रद्धांजलि में अब कलाकार आए। श्रद्धांजलि में सब कलाकार आए, मिलकर सभी देखो सुमन है चढ़ाए। सब याद आए, बहुत याद आए, बहुत याद आए। दादाजी को सत सत प्रणाम है, इनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। बहुत ही भारी भरकम